अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MS व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज थे 14 फरवरी और हम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे गैस करें, मैंने कहा जा रहे सिटी हाउसिंग। और ये हम एंट्रेंस है उसकी, रोड की एंट्रेंस। हाँ, ये मानी अपने पिद्दे पिद्दे हाथों से कुछ टाइप करी थी। यहाँ पे भला क्या लगा था याद है कुछ? सरसों का साग लगा हुआ था। ये गुजर गया है, ये हम जल्दी 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 फटाफट। यहाँ पे करीब करीब कौन सी मंडी आने वाली थी? बकरा मंडी। ये देखे जी, इंशाल्लाह ताला रह गए थोड़े दिन, ये बकरा मंडी है, मेन मंडी जिसे कहते हैं। कुत्ते भी मिलते हैं। बकरे तो नज़र नहीं आए लेकिन कुत्ते बहरहाल दो थे। कुत्ते ये वैसे कल हमें कोई नज़र नहीं आया, इनकी सिक्योरिटी अलर्ट थी। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन था ये। 14 फरवरी हमारा फैमिली व्लॉग था, हमने अपने फैमिली के साथ एंजॉय किया था। ले जी, हम पहुंच गए थे पार्क में और बच्चों को ले रहे थे झूले, हम उसी तरफ जा रहे थे। चलो झूले ले लो, मामा को दो बेटा। ये जी सब झूले ले रहे थे, छोटे बड़े बच्चे सब झूले ले रहे थे। पापा भी, और वहाँ पे हमारी फैमिली के सिवा कोई भी नहीं था पार्क में। दूर दूर तक खाली था। दूर तक इसमें क्या ले रही थी, इसको क्या कहते हैं, स्विंग। और अहमद बेचारा मुझे कहता पापा झूले दो, नहीं नहीं मैं खुद ही। पापा उनको लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे जी भाई ने हमें आवाज़ दे दी थी और वो कह रहे थे इधर आओ आप लोगों को, यहाँ पे घर बन रहे थे एक दो। तो एक घर बड़ा प्यारा था, वो वहाँ नहीं हम गए लेकिन ये वाला बन रहा था तो यहाँ पे विज़िट किया। ये माने किसी के घर में दाखिल हो गई है डाका मारने के लिए। आप सबसे पहले गई थी। वो देखो सीढ़ियाँ चढ़ गई है ना, ये डाका मारने के लिए दाखिल होगी। ये जी पूछने पे हमें बताया गया ये गैराज है इनका, ये ड्राइंग रूम है और साथ चारपाई बिछी है, ऊपर छत है वैसे। ये चारपाई आपा के लिए बिछाई गई है। ये उनका खुला डुला टीवी लाउंज है और इतना बड़ा माशाल्लाह ये बेडरूम था। और ये वो देखें पीछे गली छोड़ी हुई ना, गली तो, नहीं है लाउंड्री है ये। हाँ लेकिन लाउंड्री है, लेकिन वहाँ का रूल है कि पीछे भी इतनी जगह छोड़नी है और पीछे और आगे भी दरमियान में घर होना। ये वाली दीवार हमेशा छोटी रखनी है, ये मेरे ख्याल 4 फुट या 5 फुट की होगी, वहाँ का ये रूल है सिटी हाउसिंग का। चले जिसका भी है अल्लाह ताला उन्हें मुबारक करे, उनके लिए नसीब में करे, हंसी खुशी अपने घरों में रहें। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी का करना बन रहा हो मैं जाऊँ, और मैं अक्सर विज़िट करती होती हूँ। चलिए जाया करो, थोड़ी मिट्टी रेत डाल लिया करो। बड़ा अच्छा लगता है वो जैसे जैसे बन रहा था। एक और घर बन रहा था अभी, फिर हम उधर भी गए थे। ये हमने कहा जी हमने इसका कोठा भी देखना है, कोठा पापा ये खड़ी है। फिर हमने इनका कोठा भी देखा। आपा अगर मैं इधर से छलांग मार दूं तो मैं छान मारने लगी है, मेरा नहीं करना। आपा क्या ख्याल है इधर से छलांग मार दे, चला दोनों करते हैं। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। इसमें क्या है, पानी है। चलो चले आप आज खैरियत से बुरखा पहन के आई है। ये जी मैं थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ये वाला स्टेप ऊंचा है तो ये वाला नीवा है, यहाँ से ठुड्डा बजने का खतरा है। उनको पता लग गया कि मैं मोबाइल की एडिटिंग कर रही हूँ, तो आइसक्रीम वाला को भी अभी आना था। ओ भाई चला जा तेरी मेहरबानी। ये दूसरे का घर था तो हम यहाँ पे गए थे सारे मिलके, मानी यहाँ पे डाका मारने गई थी मेरे साथ।
तो इनका घर भी माशाल्लाह से बन रहा था और हर तैयारी साथ साथ चल रही थी। ये देखें टाइल्स भी इनकी आ चुकी थी और ऊपर सीलिंग का काम भी हो रहा था, सारी लेबर ऊपर काम कर रहे थे, सारे लेबर वही ना। तो ये इनका जी, बाद में हम बाहर आ गए थे और यहाँ पे हम बहुत थक चुके थे घूम फिर के, झूले ले लेके, और अब मूड बन रहा था कि हम वापस घर जाएं। ये वाली टैंकी थी जिसके मानी को 5,000 मिल रहे थे, 10,000 भी इस टैंकी पे चढ़ने के, पर मानी मानी नहीं। तो अच्छी ऑफर थी, इसे कहा था ऑफर ले लो और चली जाओ। यहाँ से हम वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ। बहुत अच्छा हमारा आज का डे रहा था, हमने फुल डे तो नहीं कह सकते, हमने यहाँ एंजॉय किया, 3 घंटे स्पेंड किए थे। और अब हम यापा की दोस्तें जा रही थी सारी, आगे भी और पीछे भी, सुन लो। नहीं जी, मेरी कोई दोस्ती नहीं इतनी मोटी मोटी। ये बाहर आ गए थे हम समुद्री रोड पे जी, बहुत ज्यादा भूख लगी थी, घर जाके खाना खाना थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। देखें जी।